our channel Manshi Vlogs. तो आज हम डेली रूटीन दिखाएंगे मेरा. चलो शुरू करते हैं. ऐसा करती हूँ मैं. हाँ, इनका जीके का कुछ तो क्विज चल रहा है जिसमें अगर इसको गलत आंसर दे रहे हैं तो क्या पनिशमेंट. हाँ, तो क्या पनिशमेंट मिली थी. मम्मा जैसे एक्ट करना है. मैं ऐसे करती हूँ. हाँ. अच्छा, ऐसे करती हूँ. तो मैं बैठ के यहाँ पे एडिट ही कर रही थी और ये देखो इसकी एक्टिंग पीछे देखा. मतलब वो कहते हैं ना एक थैंकलेस जॉब होती है माँ की. जितने प्यार से बोलो ना, 10 बार बोलो, 12 बार बोलो, 20 बार बोलो, प्यार से अगर माँ बोल रही है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब अब इग्नोर करो. जब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा ना, डांटने वाले लेवल तक, तब तक बच्चों को लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब सीरियसली बोल रहे हैं. नहीं यार, अभी तो सुन भी नहीं रही है ना. जब तक मम्मा जोर से नहीं बोले तब तक काम होता है. ओ हेलो हेलो, नहीं सुनेगी अभी. सो ये रही हमारी मॉर्निंग की चाय. फ्रेंड्स चीयर्स. खत्म हो गया था ना, मैं कल ही सोची थी डालने का. अभी सारा ग्रॉसरी आया है. सुबह सुबह आ गया ना ग्रॉसरी. देखते हैं क्या आया, सब आया कि नहीं आया. सो चाय वाय पीने के बाद नाश्ता करके ना, अभी मैं थोड़ा सा लगी हूँ यहाँ पे. आज थोड़ा मैं सोचूँ घर की डस्टिंग, बाहर प्लांट्स जो है ना, बाहर का जो एरिया है, जो मेन बालकनी है, घर का एंट्रेंस है, वो सब एरिया आज सोचूँ मैं थोड़ा सा साफ़ करने का. तो आज अच्छे से पहले, सबसे पहले मैं प्लांट्स को पानी दे रही हूँ. अभी मतलब लास्ट वीक आपको पता है वॉज नॉट वेल. सो प्लांट्स को क्लीन करना ये सब कुछ रहेगा. देखो लीव्स देख रहे हो कितनी मिट्टी इकट्ठी हुई है. आजकल कंस्ट्रक्शन इतना है तो हर चीज़ में बारीक वो डस्ट होता है ना पार्टिकल्स, वो है हर जगह. तो पानी देते देते साइड बाय साइड जो मुझे प्लांट के लीव्स दिखते हैं ना येलो होने वाले हैं या फिर ख़राब हैं, उनको मैं वहीं पे साइड बाय साइड निकाल देती हूँ. बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि प्लांट्स के जो पुराने लीव्स हैं उनको निकालो, वरना जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो बाकी जो आपके हेल्दी लीव्स होते हैं, हेल्दी पत्ते हैं, उनको नहीं जाते हैं. तो बीच बीच में क्लीन करना इज़ गुड. वरना उससे ना काफ़ी ऐसा पूरा कचरा कचरा सा दिखता है प्लांट. एक तो सुंदर दिखता भी नहीं है, दूसरा आपका ये बहुत सारे कीड़े आते हैं. काफ़ी लोग लीव्स को ना वो मिट्टी में ही डाल देते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ बिकॉज आई हैव सीन इट डिड नॉट हेल्प माई प्लांट्स. बहुत ज़्यादा कचरा कचरा सा फील होता है. तो मैं वही सारे जितने भी ड्राई लीव्स हैं उनको निकाल के लेके जा रही हूँ. बड़ा गमला हो तो येस, आप वहाँ पे यू नो उसके ड्राई लीव्स डाल दो तो सही रहता है. छोटे छोटे गमलों में सम हाउ आई डिड नॉट सी यू नो रिजल्ट्स. तो एक बार सारे जो पत्ते हैं ना सबको निकाल के बालकनी को अच्छे से झाड़ू से जो बड़े बड़े पीसेज हैं ना सारे ले रही हूँ. उसके बाद फिर मैं बाद में वैक्यूम मारूंगी जब सब कुछ हो जाएगा ना, ताकि जो बारीक मिट्टी है जो झाड़ू से नहीं जाते हैं वो वैक्यूम मार के बाकी क्लीन करूँ बाद में. सो एक बार सारा झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ना मैं प्लांट्स के जितने भी लीव्स हैं उनको इसी डस्टर से, डस्टर ना बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है. सो प्लांट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. तो मैं वो प्लांट्स के जितने लीव्स हैं ना जितना हो सके उतना, आई वॉज जस्ट ट्राइंग कि इसको ना अच्छे से डस्ट कर दूँ. पानी भी ऊपर डाल सकते हैं लेकिन बालकनी से पानी नीचे जाता है ना, गिरता है, तो ये काफ़ी टाइम है जब लोग आ रहे जा रहे होते हैं, तो इसीलिए आई प्रिफर डूइंग दिस. तो इससे आज तो ब्रश से मार रही हूँ. काफ़ी बार वेट टिश्यू जो होता है ना, तो उससे भी आप आराम से वेट टिश्यू पेपर या वेट कपड़ा लेके आराम से उनको क्लीन कर सकते हो लीव्स को. बट आज मैं यू नो डस्टिंग ही कर रही हूँ फास्ट फास्ट बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम लगता है. तो आई थॉट आज यू नो फॉर जल्दी जल्दी करने के लिए आज डस्टिंग करते हैं. जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन मे बी यू नो गीले कपड़े से उनको ऊपर और नीचे दोनों साइड जो पत्ते के होते हैं ना उनको क्लीन करूँ. फिर फाइनली जो बालकनी के रेलिंग है इसमें भी काफ़ी डस्ट होता है, कपड़े वपड़े डालते हुए कपड़े भी गंदे होते हैं, तो इनको आई ट्राई टू डू इट रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस. जो भी शीशा है उसको एक बार ना अच्छे से डस्ट कर देना जितना हाथ पहुँचता है, क्योंकि ये स्टिक में ये ऊपर नीचे हो जाता है स्टिक. मतलब आप इसको ना जो उसका स्टैंड है उसको आप खींच सकते हो, छोटा बड़ा हो जाता है तो ईजिली नीचे तक पहुँच जाता है. तो पूरा वही मैं आज बालकनी जो है पूरा अच्छे से साफ करी थी, सारा एरिया पूरा. फाइनली जैसे मैंने बोला सब कुछ होने के बाद एक बार मैं वैक्यूम चला देती हूँ. तो अभी अंदर बाहर जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ पे वैक्यूम सारा चला रही हूँ, ताकि जो बिल्कुल डस्ट फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो भी आराम से पूरा निकल जाए. मेरा फेवरेट पाम ट्री जो अंदर रहता था ना बेड के साइड में, वो मैंने यहाँ पे कर दिया बिकॉज इसमें ना मिली बग्स बहुत हो रहे थे, मिट्टी इकट्ठी हो रही थी. तो क्योंकि हम लोग नीचे लेट रहे थे तो बिल्कुल उसकी जो वो है ना वैसा लग रहा है डस्टी डस्टी सा फील हो रहा था, तो विच इज़ नॉट गुड कफ और सर्दी जब ऑलरेडी हो रखा है. तो उसको यहाँ पे रख दिया है. तो ये आप कोई दवाई पूछ रहे थे तो मैं ये नॉर्मल मेडिसिन से लेके आई थी, आई डोंट नो डिड नॉट वर्क वेल. ये प्लांट में ऐसा कुछ खास अभी ऐसा लग रहा है बचा नहीं है, जितने दिन चले उतना दिन तो मैंने यहाँ पे रख दिया है. विच इज़ गोइंग टू स्प्रेड दिस एंड होप कि सर्वाइव कर जाए. बाकी अभी कुछ नए प्लांट वगैरह लेके आऊँगी, एक बार सूखा फाइनल हो के आ जाए ना, उसके बाद फिर प्लांट प्लांट सब कुछ बहुत कुछ चेंज है करना धीरे धीरे.
फाइनली पूरा स्प्रे कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। हम ये डब्बे को ना वॉश करके इसको पानी लीव्स के ऊपर डालने में ईजी रहता है, तो उसको वही क्लीन करके रखूँगी। सो अभी जो एंट्रेंस एरिया है उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। पहले तो पूरा झाड़ जो आप देख रहे हो कितनी मिट्टी इकट्ठी हुई है। ये जो मनी प्लांट है ना जो मैंने वॉल पे लगाया हुआ है, दिस इज़ अमेजिंग। रेंटेड फ्लैट में व्हेन यू वांट टू डेकोरेट योर हाउस ना बहुत ही कम ऑप्शंस रहते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट परचेज। तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मैंने अपने घर के अंदर भी लगाया हुआ है, लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। तो अभी एक एक करके सब चीज़ें जो बाहर रखी हैं उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। पहले एक बार डस्ट कर लिया, उसके बाद अभी गीले कपड़े से सारा जो है ना उनको साफ़ कर रही हूँ। Time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Baby going down, 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 down. Yeah. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. बीमार थे तो काफ़ी दिन क्लीनिंग नहीं हुई, इतना डस्ट इकट्ठा हुआ था। अब ये सब प्लांट्स आर्टिफिशियल प्लांट्स है ना, ये सब अंदर ले जाकर अभी वॉश करूँगी और सुभाष निकल रहा है इसके लिए। अभी निकलेगा बेड से खजाना। आईना को ना एक फ़ोन लेके दिया था बहुत पहले, जब हम इधर उधर कहीं जाते हैं तो एटलीस्ट उसके पास कुछ फ़ोन रहे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इतना उसने वो फ़ोन देखना स्टार्ट किया था कि वो फ़ोन का बैटरी निकाल के मैंने बेड के अंदर डाल दिया था। तभी छुट्टियां पड़ी है, मैंने बोला खत्म हो जाएगी। हां, मैंने बोला था कि छुट्टियां खत्म होगी तो मैं तेरे को निकाल के दूंगी। छुट्टियां स्टार्ट होगी तब तो छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। कहां रखा था, मुझे भी याद नहीं। सारी चीजें ऐसा ही होता है ना, कोई चीज आप छुपा के रखो ना कि किसी को मिले ना, उसके बाद फिर वो चीज आपको खुद ही नहीं मिलती है। कहां रखा है, खोला सुपर से तो ये मैंने साइड में डाला, साइड में नहीं डाला। मुझसे तो ढूंढ रहे हैं, कमर डूब गई मेरी। Finally, ये है वो बैटरी। अभी ध्यान से यूज करना, मैं आपको सब दूंगी अंदर। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. क्लीन एंड डन। तो बस ऐसा करते हैं इसको। सो ये पिंक पिंक कर दिया, येलो था ना कलर चेंज कर दिया, तो ये पिंक पिंक हो गया है लाइक दिस। सब अभी साफ हो रहा है, अभी दो दिन में वापस से मिट्टी मिट्टी, इतनी मिट्टी होती है ना यहाँ पे, इतनी मिट्टी होती है। सो समवॉट लाइक दिस। चलो अभी ग्रॉसरी भी पूरा सेट करना है, तो कुछ ग्रॉसरीज मंगाई थी, फटाफट दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे है पोहा, सेवियाँ, ये है सूजी, कस्टर्ड एप्पल। समर आ रहा है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है ठंडा ठंडा फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो कस्टर्ड पाउडर मंगाया है, कस्टर्ड एप्पल कह रही हूँ। और यहाँ पे है फॉर्चून का डिटर्जेंट, डिश वॉशर डिटर्जेंट, इसके मैं ना वो आते हैं टैब्स, आते हैं टैब्स और ये पाउडर दोनों ही मंगाती हूँ। सो ये आ गया है डिटर्जेंट। यहाँ पे है गुड़ का पाउडर, मैं प्रो नेचर का ही यूज़ करती हूँ, मुझे ना ज़्यादा स्मेल नहीं आती है। मॉर्निंग में आपने देखा सुभाष ने एक पैकेट ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। जीरा, धनिया, धनिया मैं होल मंगाती हूँ, घर में ही इसका पाउडर बनाती हूँ। बेकिंग पाउडर और यहाँ पे है आटा, आटा मैंने मंगाया है ऑर्गेनिक तत्व का, तो ऑर्गेनिक ही मोस्टली आपको पता है कि मैं मंगाती हूँ। अगेन दिस इज मूरी, बींग बंगाली मूरी के बिना तो नहीं हो सकता है, तो दो पैकेट मूरी प्रो नेचर का ही है। और क्या, चावल, चावल मैंने बताया था लास्ट टाइम बहुत अच्छा निकला था, तो वापस से 24 मंत्रा का ही मंगाया है, ऑर्गेनिक बासमती राइस, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और ये क्या है, ऑर्गेनिक तत्व, हाँ ये मैदा और न्यूटेला। सो ये और यस, ये हनी मंगाया था मैंने फेस पैक बनाने के लिए या फिर जो भी खाने पाने के लिए जहाँ पे भी यूज हो। तो ये है हनी, तो या ये है छोटा सा ग्रोसरी हॉल। घर की साफ सफाई के साथ साथ खुद का भी साफ रखना, खुद का केयर करना घर के केयर के साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कर रही हूँ फेस को स्क्रब एंड आई एम यूजिंग दिस स्क्रब जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फॉर एसेंशियल का। आई थिंक 2 साल हो गए मुझे सेम स्क्रब यूज करते हुए। सो बीच बीच में स्क्रब यूज करना
हफ्ते में मे बी वंस और ट्वाइस इज वेरी गुड, ताकि डेड सेल्स जो है ना वो निकल जाए. मैंने पहले फेस को वॉश कर लिया है सोप से, और ये वाला सोप मतलब फेस वॉश, ये वाला आई एम यूजिंग. अभी काफी टाइम हो गया ये वाला मैं यूज कर रही हूँ. सो वही स्क्रब करेंगे, उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं फेस पैक. सो अच्छे से पूरा क्लीन हो गया है फेस, बिल्कुल नीट नीट सा लग रहा है. और यस, एक और चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी जितना पॉसिबल हो उतना टॉवल लोगों को ना वॉश करते रहना, बिकॉज काफी बार ना हम टॉवल यूज होते रहते हैं, सूख जाते हैं, वापस यूज होते रहते हैं, तो अपन रियलाइज नहीं करते हैं, धोएंगे धोएंगे करके थोड़ा इग्नोर करते हैं. बट हैंड टॉवल्स, नहाने के टॉवल्स ना जितना रेगुलरली फ्रीक्वेंटली आप चेंज करो, वॉश करो और यूज करो उतना ज्यादा बेटर है, बिकॉज उससे भी काफी बार ना फेस पे आपके डस्ट वगैरह आता है, हाइजीनिक नहीं होता, यू अंडरस्टैंड राइट. सो आई नो करते ही होंगे, सब करते हैं, लेकिन काफी बार ना थोड़ा इग्नोर हो जाता है. सो जस्ट इसलिए थोड़ा सा रिमाइंडर दे रही हूँ. तो अभी एक मस्त हाइड्रेटिंग सा फेस पैक बनाते हैं. सबसे पहले लेंगे थोड़ी सी दही, और ये दही ना एक्सपायर हो गया है, तो मुझे एज इट इज उसको यूज करना है. थोड़ा सा आज थोड़ा सा कल लगा के यूज कर लूंगी फेस पे. थोड़ा सा इतना क्यूट सी की पैकेजिंग है ना, चंदन का पाउडर है ये. नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे ये ऑरेंज पील का पाउडर है, ये आप घर पे भी बना सकते हो सुखा के, कम्प्लीटली अप टू यू. बहुत अच्छे होते हैं ये स्किन के लिए. सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस यू नो यू वांट इट. और फिर थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम लोग हनी, एंड वी आर गोइंग टू मिक्स दिस. जस्ट अप्लाइड ऑन द फेस. जब से मैं बीमार वगैरह रही हूँ ना, दवाइयाँ इतनी खाई हैं, ये देखो ये सब ना छोटे 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 दाने आ ही रहे हैं मेरे, तब से लगा हुआ है कुछ ना कुछ. बट एनीवेज चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा. इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना चंदन की. सो ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, सो डेफिनेटली ट्राई इट. सो ये लगा लिया है पूरा, पॉसिबल होगा टाइम हो तो हाथ पे भी लगा लेना, बट अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ, लेट हो गया, सो इसीलिए मैं हाथ पे नहीं लगा रही हूँ. और जब भी फेस को स्क्रब करो, इनफैक्ट ये तो हमेशा ही जरूरी है कि आप सनस्क्रीन लगाओ, लेकिन जब भी फेस को स्क्रब करो तो मेक श्योर कि आप हमेशा सनस्क्रीन लगाओ, बिकॉज आपका फेस का यू नो इट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन मोर ड्यूरिंग दैट टाइम. सो नेवर मिस सनस्क्रीन लोशन. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. पापा की बेटी सारे के सारे ट्रॉफीज लाके सुभाष के यहाँ पे रख दिए. ये कैसा लग रहा है, सब भर दिया आपने? अच्छा लग रहा है. पापा को स्टडी टेबल पे रखो ना, वहाँ पे उनके टेबल पे. नहीं, इधर अच्छा लग रहा है. वहाँ पे लगेगा कि सबको देखना पड़ेगा इसे. अच्छा, सबको देखना पड़ेगा इसे. अरे ना, थोड़ी देर के लिए रखो, बाद में इनको हटा देना. बाबू अंदर ही रख देना. इतना फ्रेश फील हो रहा है जब से डस्टिंग करी है ना, जब इनफैक्ट डस्टिंग करती हूँ, माइग्रेन का थोड़ा इशू है ना, ऐसा लगता है कि ऐसा डस्ट जो है ना ऐसा नाक में जा रहा है, अभी माइग्रेन आएगा, अभी माइग्रेन आएगा. सो अभी नहा के पूरा फ्रेश लग रहा है. सो गोइंग टू अप्लाई ये क्रीम जो मैं आपके साथ शेयर किया है, सिंपल का. सो सिंपल के ना दो क्रीम आते हैं, एक शायद थोड़ा थिक और एक लाइट. मैंने ये लाइट वाला मंगाना स्टार्ट कर दिया बिकॉज समर आ गया है ना. ब्राइडली मॉइस्चराइजर लगाने के थोड़ी देर बाद आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए. This is my favorite sunscreen. Okay, anyways, but मैं फटाफट लगा रही हूँ, कुछ मुझे बहुत भूख लगी है और इट्स ऑलमोस्ट 2:45 और मुझे लंच भी करना है. आनिया को दे दिया, वो खा रही है बैठ के आराम से. मेरा काफ़ी लेट हो गया, क्लीनिंग व्लीनिंग में लोगों ना तो पता नहीं चलता है टाइम का. एंड फाइनली द लिप बाम. सो अभी आनिया को थोड़ा थोड़ा मैं गैस के पास आने देती हूँ, थोड़ा थोड़ा कुकिंग जैसे स्टर करना हो, बीच में गैस ऑन करना ऑफ करना अभी सिखा दिया है, तो इसका नुकसान भी है. ये देखो क्या मस्त नन्या ने रोटी बनाई है. कहाँ कहाँ मैप है, अफ्रीका है. नान लग रहा है. चलो सो अनन्या इज लर्निंग कुकिंग. पहले हल्का हल्का मुझे करना पड़ता था, बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा अनन्या को ट्राई करवा रही हूँ. देखो पलटो, हाथ से पलटो, कुछ नहीं होगा, हाथ से पलटो, साइड से पकड़ो, हाँ खींचो खींचो, पलटो पलटो,
पलटो, ठीक से पकड़ो, कुछ नहीं होगा, हाथ से पकड़ो, हाथ से पकड़ो, कुछ नहीं होगा बाबू, फाड़ दिया। तुम खाओगे इसको? हाँ। नहीं मैं खाऊंगी भाई, मेरी बेटी ने बनाया। तो ये रही मेरी अनन्या की बनाई हुई रोटी। वाओ मस्त लग रही, बिल्कुल जैसे इतनी सुंदर अनन्या उतनी सुंदर अनन्या की रोटी है। देखो यार, मतलब इतना मम्मा करे बच्चे के लिए, और एक मुझे क्या बोलते उसको, हम गए थे ना वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिया था, तो वहां से इसके लिए लेके आए थे। एक ये तो देखो, वीडियो में सब देख रहे हैं। अच्छा एक बाइट, एक बाइट, एक बाइट, बड़ा वाला बाइट, बड़ा वाला बाइट, ये देखो ऐसे पकड़ के देती है कि मैं ज्यादा बाइट ना ले सकूं। मतलब ही दुनिया फ्रेंड्स, मतलब ही दुनिया। ये तो मैं खाऊंगी, ये तो नहीं मिलेगा, ये तो मैं खाऊंगी। लंच वंच सब हो गया है, अब थोड़ा सा आराम करूंगी मैं। तो कितनी अच्छी धूप है हमारे बालकनी में, धूप आती नहीं है साल में, कोई ऐसा ही टाइम होता है स्पेसिफिक जब धूप आती है, और वो अभी है। कपड़ों में क्या मस्त धूप लग रही है, और बॉडी में भी क्या मस्त धूप लग रही है। हाँ इतना अच्छा लग रहा है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है ना फ्लैट, उनको लग रहा है क्या धूप धूप है, बट हमारा फ्लैट एक्चुअली बहुत ठंडा रहता है, तो ऐसा धूप आता है ना बड़ा अच्छा लगता है, लग रहा है सिकाई हो रही है। नहीं अनन्या, बेटर है अगर घर के अंदर तक देखो बेड में धूप आ रही है। हटाना, लेटना दो, थोड़ा लेटना है आपको, देखो क्या मस्त मज़ा आ रहा है ऐसा, आह वॉर्म वॉर्म, बिल्कुल मज़ा आ गया आज तो। एक व्हाइट प्लेट है, एक ब्लैक, अब मुझे ना गिन गिन के इक्वली इनको रखने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे दो हैं यहाँ पे, तो भाई लड़ाई हो जाएगी उनमें कि इसको ज्यादा दिया है, मुझको कम दिया है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे इक्वल नंबर में। ये प्लेट थोड़ा छोटा है, ये लंबा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। पापड़ ले जाओ, पापड़ ले जाओ, बन गए हैं, इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने, बिल्कुल देखना गिनेंगे। अभी गिन रहे हो ना, चलो उनको दे दिया पापड़ और मेरी चाय, सो चीयर्स। और इनको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है भाई कि कहीं पे भी तेल वाले हाथ मत लगाना, अगर लगाए नेक्स्ट टाइम से तुम लोगों को पापड़ नहीं मिलेंगे। आवाज सुन रहे हो, अंदर ना डांस वांस कुछ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, कैसे खिलखिलाने वाली आवाज इतनी अच्छी लगती है ना, तो दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं दोनों। क्या, व्हाट इज रॉन्ग विद यू गर्ल्स? मुझे लगा डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर तो सुमो चल रहा है कुछ तो। जस्ट केम डाउन फॉर अ वॉक, तो अभी जुम्बा और जिम मैंने स्टार्ट नहीं किया है, टेकिंग इट स्लोली, तो हल्का हल्का वॉक से हैव स्टार्टेड, इवनिंग में निकलना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज अभी भी वो होता है ना एकदम से ऐसा बहुत लंबा लंबा कुछ करो तो ऐसे थकान सी होती है, सो टेकिंग इट स्लोली। और आप में से भी बहुत सारे फ्रेंड्स के वही मुझे मैसेजेस आते थे, अभी जुम्बा मत करना, जिम मत जाना, अभी कुछ दिन रेस्ट करो। सो यस आई एम डूइंग दैट, स्लोली एंड स्टेडीली आई एम गोइंग टू पिक अप। कड़ी पत्ते को ना ऐसे वॉश करके उसको सुखा के, मतलब पानी उसका हटा के ऐसे फ्रिज में ओपन करके छोड़ दो ना, तो एक दो दिन में ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, और उसको स्टोर करके रख सकते हो लंबे टाइम के लिए। सो अगर धूप नहीं है ना, तो दिस इज अ वेरी गुड वे, जैसा मैं करती हूँ। सामान खत्म हो गया, वही लेके आई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, गुड क्या बोलते हैं, गुड पापड़ी, और यस दही, और ये ऑरेंजेस बहुत अच्छे निकले थे कल, तो वही अनन्या ने भी बहुत प्यार से खाया था, तो वही लेके आई हूँ। सबको ना वॉश करना है, टमाटर मूली वगैरह सब वॉश कर दिया, लाते ही वॉश करके रख दो ना, तो आलस नहीं आता है, छोड़ दो ना बाद में वॉश करेंगे तो फिर होता ही नहीं है, और वॉश करके एक रख दो ना, तो खाना बनाने में बड़ी जल्दी होती है। चलो अभी डिनर करेंगे, थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई थी दोपहर की, तो साथ में हल्का सा दाल बना लिया है मैंने, तो मेरे और रहने के लिए हो जाएगा, सुबह तो डिनर करके ही आएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आई रियली होप आपने एंजॉय किया है, कमेंट पक्का करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, कनेक्शन फील होता है ना एक आपके साथ। सो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, गुड नाइट एंड बाय बाय।